शहीद हसन खां गवर्नमेंट कॉलेज के MBBS छात्रों का धरना 10वें दिन भी जारी रहा। छात्रों को हटाने के लिए वाटर कैनन के साथ साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। छात्रों ने कहा कल से बैठेंगे 10 छात्र भूख हड़ताल पर। नूह जिले के शहीद हसन खान गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS के छात्र छात्राओं को धरना स्थल से हटाने के लिए मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भारी पुलिस बल बुलाया। साथ में वाटर कैनन गाड़ी भी छात्रों को हटाने के लिए लगाई गई, लेकिन छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा पढ़ाई के दौरान 40 लाख रुपए की बॉन्ड पॉलिसी लागू करने के खिलाफ शहीद हसन खां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं का पिछले 10 दिनों में धरना प्रदर्शन जारी है। आज कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को धरने स्थल से हटाने के लिए भारी पुलिस बल बुला लिया। साथ में वाटर कैनन गाड़ी भी लगाई गई ताकि छात्र छात्राओं को पानी की बौछारों से हटाया जा सके, लेकिन मीडिया की मौजूदगी की वजह से पुलिस प्रशासन की कार्रवाई धरी की धरी रह गई। MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की तथा हरियाणा सरकार की शव यात्रा भी निकालकर हरियाणा सरकार का पोस्टमार्टम किया। वहीं छात्रों ने कहा कि अब कल से 10 MBBS के छात्र भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये सिलसिला जब तक जारी रहेगा तब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है। उन्होंने कहा आज उन्हें धरने स्थल से हटाने के लिए भारी पुलिस बल बुलाया गया। साथ में मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर के द्वारा भी उन्हें धमकी भरे लहजे में कहा गया, यदि आप धरना खत्म नहीं करते हो तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार द्वारा बॉन्ड पॉलिसी वापस नहीं ली जाती तब तक धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के नूह स्थित शहीद हसन खां गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट सरकार की बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने MBBS करने वाले विद्यार्थियों की फीस बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी थी, जिसके कारण विद्यार्थी प्रदर्शन पर उतर आए। सरकार द्वारा लागू की गई बॉन्ड पॉलिसी के तहत MBBS स्टूडेंट को प्रति वर्ष 9,20,000 रुपये जमा करवाने थे, वहीं 80,000 रुपये फीस, जिस लिहाज से सभी भावी डॉक्टरों को प्रति वर्ष 10 लाख रुपए जमा करवाने पड़ रहे थे। नई पॉलिसी आने के कारण सभी MBBS स्टूडेंट को 4 साल में कुल 40 लाख रुपए जमा करवाने होंगे, जिसका विरोध किया जा रहा था। हरियाणा सरकार ने 2022 में 40 लाख रुपए की बॉन्ड पॉलिसी लागू की, जिसका लगातार अब विरोध बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने कहा सरकार ने MBBS की 7 पढ़ाई के दौरान 40 लाख रुपए बॉन्ड पॉलिसी लगाई, जबकि हम टॉप रैंक हासिल कर यहां तक आए हैं तो सरकार को पैसा क्यों दे। सरकार की ये बॉन्ड पॉलिसी सही नहीं है। उन्होंने कहा शहीद हसन खां गवर्नमेंट कॉलेज में एक बैच में सभी कैटेगरी को मिलाकर 120 छात्र छात्राएं हैं। यहां पर 5 बैच है, कुल मिलाकर पूरे मेडिकल कॉलेज में 600 से अधिक स्टूडेंट हैं। सरकार हमसे 40 लाख रुपए ले रही है। छात्रों ने कहा हमारा विरोध किसी सरकार या राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, जबकि ये लड़ाई हमारे हक की है और हम लोग इसके लिए आगे तक लड़ते रहेंगे। छात्रों ने कहा जब तक नहीं होगा धरना प्रदर्शन खत्म, जब तक बॉन्ड पॉलिसी वापस नहीं ली जाती। हम बॉन्ड पॉलिसी, हम यही चाहते हैं सरकार से कि सरकार बॉन्ड पॉलिसी वापस ले, क्योंकि बॉन्ड पॉलिसी में जो सरकार ने जो प्रावधान रखे हैं वो स्टूडेंट्स के और आम जनता के हित में नहीं है। आज आपको डराया धमका गया, किनके द्वारा डराया धमका गया? अभी हमारी डायरेक्टर सर के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें डायरेक्टर सर ने प्रोटेस्ट साइट को खाली करने का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम प्रोटेस्ट को बंद करें और इस स्ट्राइक को बंद करें और साइट को जल्दी से जल्दी वैकेट करें, हमें ये बोला गया। आपकी क्या रणनीति? हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, हम स्ट्राइक को, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम बॉन्ड पॉलिसी हटा कर ही हटें। मेरा नाम कुलदीप योगी है, मैं 17 बैच से इंटर्न हूँ, सबसे टॉप सीनियर यहाँ में। अभी हमारे डायरेक्टर सर से बात हुई है, हमें 5 बच्चों के 5 क्लास रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था, उन्होंने 5 बच्चों को धमकियाँ दी हैं कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, तुम 5 को फेल किया जाएगा, तुम्हारे पुलिस के खिलाफ तुम्हारी कार्रवाई की जाएगी। और उनका डायरेक्ट कहने का मतलब यह है कि तुम यहाँ से उठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। कब से? आज हमसे 9 दिन हो गए, 1 तारीख से बैठे हैं यहाँ पे। हमारे जूनियर्स हैं ये, 20-21 बैच के बच्चे भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हैं,
कोई इनकी सुन नहीं रहा है। पहले हमें विश्वास था कि हमारा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक हमारा साथ देगा, लेकिन वो भी आज हमारे खिलाफ है। कॉलेज प्रशासन भी नहीं चाहता कि हमारे साथ कुछ सही हो, वो भी हमारे खिलाफ है। डायरेक्टर सर ने डायरेक्ट कहा है कि या तो आप यहाँ से उठ जाओ, नहीं 2 बजे आपको यहाँ से घसीट के उठाया जाएगा। तो कहेंगे नहीं, छात्र एकता जिंदाबाद है, रहेगी, हम यही हैं, चाहे जिए या मरे हम साथ हैं, सारे बैचेज साथ हैं, 17, 18, 19 जितने भी है सारे सीनियर साथ हैं, डरने की बात नहीं है, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जी मेरा नाम विनय चौधरी है, मैं 20 बैच MBBS का छात्र हूँ। कितने जी, ये 1 नवंबर से हमारी स्ट्राइक जारी है, बहुत ही पीसफुल तरीके से हम स्ट्राइक कर रहे हैं, और सर हमारी मांगे यही है, बॉन्ड पॉलिसी वापस ले हरियाणा सरकार। साथ में हमारी ये मांग है, जो पुलिस कार्रवाई हुई है हमारे साथियों पे रोहतक में, उसके ऊपर भी हरियाणा सरकार स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले। पॉलिसी को लेकर क्या कोई अधिकारी से बातचीत हो गई है? सर पॉलिसी को लेकर CM से भी मीटिंग हुई है, वो सर आश्वासन देते हैं, तुम बेटा बैठो तो तुम करो तो बेरोजगार रहोगे तो बॉन्ड नहीं होगा, हम तुम्हें नौकरियां दिलवाएंगे। लेकिन सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1252 पद निकले हैं 2 साल में, 7000 एप्लीकेंट हैं, इनके पास वैकेंसी नहीं है। अगर इनको हमें नौकरी देनी है, हमें लिखित में प्रावधान दें, नौकरी करने को हम तैयार हैं। क्या चाहते हैं फिलहाल आप? सर हम चाहते हैं बॉन्ड पॉलिसी वापस हो। कितने छात्र हैं जो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं? सर यहाँ पर हमारे कॉलेज में तकरीबन 500-600 छात्र बैठे हैं, ऐसे ही सर रोहतक में हमारे पास 1300-1400 छात्र बैठे हैं, कल्पना चावला करनाल में 500-600 छात्र हैं, और BPS खानपुर में 500-600 छात्र।